तो भाई ये शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ मलयालम की 6 सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज के बारे में। लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। चलो बढ़ते हैं भाई 6 पे। तो 6 पे आती है नेहरू। ये कार्टून ड्रामा मूवी थी, इसके अंदर हमें मोहनलाल सर दिखे थे और इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 86 करोड़ का है। और बात करें बजट की, सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का था। 5 पे आती है अगेन मोहनलाल सर की मूवी लूसीफर, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 128 करोड़ का था और बात की बजट की, सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ का था। और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। 4 पे आती है प्रेमलू। तो इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ तक हो चुका है। कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है मूवी। 3 पे आती है अगेन मोहनलाल सर की पुली मुर्गन। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 150 करोड़ के अप्रॉक्स है और बात के बजट की, बजट सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का था। फिर वहीं बड़े सेकंड पे, तो सेकंड पे आती है 2018, जो कि आई थी 2023 में। ये एक सर्वाइवल ड्रामा मूवी थी, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 177 करोड़ का था और बजट सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ का था। फिर अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट पे आती है इस साल की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी मंजुमल बॉयज। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 230 करोड़ का हो चुका है, बजट सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ के अप्रॉक्स है, जो कि मलयालम की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन जाती है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।